आज की वीडियो में है टाइम लैप्स। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यार मैं काफ़ी देर से मैं इनएक्टिव था और वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे, उस पर फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो उन सब के लिए सबसे पहले अपोलोजाइज मेरी तरफ से। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, इवन 5 से 6 माह हो चुके हैं, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो और सेकेंडली ये इसकी भी एक रीज़न थी कि मैं ज़रा व्लॉग से हटना चाह रहा था और मैं अपना जो कंटेंट है वो आर्ट्स वाली साइड पे लेके आना चाह रहा था। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह उस पर फिर देखा जाएगा। में आती है वो आती है बालों की शेडिंग। बाल जो कि एक एक बाल की तरह मुझे बनाना पड़ता है, तो ये मैं ज़्यादातर बनाता हूँ मैकेनिकल पेंसिल के साथ। सबसे पहले लाइट लाइट डिग्री के साथ बनाता हूँ ताकि बालों की फ़्लो मुझे पता लग जाए कि बालों का फ़्लो कहाँ पर जा रहा है, और उसके बाद हाई डिग्री पे जाके 2B 4B 3B इनके साथ फिर उसकी मेन एंड पे डिटेलिंग। ज़्यादातर यूज़ की जाती है लेयर बाय लेयर मेथड, जो कि मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ लेयर बाय लेयर। मेरे लिए एक ज़रा एक ईजी भी आता है और एक ज़रा रियलिज्म में भी आता है, और फर्दर मैं सीख भी रहा हूँ और इंशाल्लाह सिखाऊंगा भी इस चीज़ पे कि शेडिंग किस तरह की जाती है। क्लॉथ्स के टेक्सचर्स के लिए मेरे पास क्रेटा कलर की पेंसिल है, जो कि मैं ज़्यादातर उसी को ही यूज़ करता हूँ क्लॉथ्स के टेक्सचर्स के लिए। और मज़ीद डिटेलिंग के लिए फिर मैं मैकेनिकल पेंसिल और ये ग्रेफाइट पेंसिल पर जाता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थी फर्दर आर्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आएँ, और वीडियो को लाइक भी करो ताकि मुझे पता चले कि यार कितने लोग मेरी बात से इंगेज हो रहे हैं।